हेलो मनदीप, हेलो परमिंदर जी। आई गेस अब क्लियर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि अब सेटअप हो गया है ये। हेलो जॉट, हेलो रिचू जी। हाँ, वो सेटिंग का ये था। हाँ जी मनबीर जी, हो गई सेटिंग। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि ये सिस्टम हैंग हो गया था, तो ये जो चीज़ थी ना, ये यूट्यूब से मेरी आईडी ले ही नहीं रहा था। तो जब आईडी से रजिस्टर नहीं होगा तो मुझे मेरे ही चैनल पे नहीं शो करेगा ना, तो ये थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो गई थी, वरना आ तो मैं पहले ही गई थी। सभी को हेलो है। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 28-30 सेकंड के चक्कर में ना, मतलब वो वाली वीडियो के चक्कर में ऑलरेडी हम 20-25 मिनट लेट हो गए। पहली चीज़ जो मुझे बतानी थी, क्लेगहॉर्न इनका पूरा नाम था, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। हेलो मीनू जी, हेलो सीरत, हेलो गुरजीत जी, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम के बारे में नहीं पता, तो चैनल के अबाउट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाना। कुछ भी अगर मटेरियल होता है या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है या किसी और को शेयर करनी होती है इन्फॉर्मेशन, तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में वो पहुँच जाती है। नॉर्मली हम 11 बजे मिलते हैं मॉर्निंग, ठीक है, और 12 बजे नून में मिलते हैं, यानी कि जो अभी वाला स्लॉट है। 2 क्लासेस लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में अगर जानना हो तो डिस्क्रिप्शन आज मैं रिवाइज करके पेस्ट करूंगी, ठीक है। रिवाइज करके मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करनी है। कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए मैं स्टार्ट करूंगी, नहीं, क्योंकि मैं वर्किंग थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चैनल के साथ जुड़ी थी तो बहुत सारे लोग मुझे चैनल के थ्रू जानते हैं। उस चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाएंगे तो उसके फर्दर लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली लोग मिले और उन्होंने ये कहा कि चैनल के बारे में बाद में पता चला। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चैनल के बारे में नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे आया करती थी, वहाँ पे वो चीज़ें पेड थी, प्लस उनके इंटेंशंस भी डिपेंड करते हैं। मुझे नहीं सही लगे तो फिर मैं अपने पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो आज मैं 12 बजे इसलिए मिली हूँ क्योंकि कुछ रिसर्च वर्क पेंडिंग पड़ा था। अब स्टार्ट करते हैं। क्लेग हॉर्न इनका मिडल नेम है, पहली बात, पेन नेम ये नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, अभी जैसे मनवीर जी ने कहा कि इन्होंने डीपली पढ़ा इसको, लेकिन किसी रीजन से वो नहीं कर पाए या नहीं पता चल पाई, तो कोई बात नहीं, यहाँ जो आएंगे वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आएंगे तो वेलकम है। हेलो जगदीप जी, तो क्लेग हॉर्न हो गया, पेन नेम नहीं है, पहले ही क्लियर कर दिया। दूसरी बात, क्या क्या है ये? ये है नॉवेलिस्ट, ठीक है, बायोग्राफर। बायोग्राफर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शार्लेट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी लिखी थी। अभी मैं डिस्कस करूंगी उसको। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप इनकी शार्लेट ब्रॉन्टे के साथ थी, तो लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टे करके इन्होंने जो बायोग्राफी थी, जिसे हम कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी, तो इंसान खुद लिखता है। बायोग्राफी मतलब कोई और आपकी लाइफ के बारे में सुनता है देन लिखता है, तो ये बायोग्राफर थी। दूसरा, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग की हो गई है क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ ताकि 1 बजे तक सारे लोग फ्री हो सके। हेलो रेनू जी, सभी का वेलकम है। नाम मैं किसी रीज़न से नहीं ले पा रही आज, उसका रीज़न यही है कि 20-25 मिनट वेस्ट हो गए और ऑलरेडी मैं अपने स्लॉट से 1 घंटा लेट हूँ, ठीक है। फादर फादर के बारे में अगर मैं बैकग्राउंड को डिस्कस करूँ, ठीक है, तो बैकग्राउंड का यही है कि कोई ऐसे, जैसे हमने डिकन्स को डिस्कस किया ना, कि डिकन्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है, फाइनेंशियली की बात कर रही हूँ मैं। बहुत सारे राइटर्स हमने पढ़े, डिस्कस किया है उनके बारे में, हिस्टोरिकल सोशल बैकग्राउंड के साथ साथ उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, शी वॉज वेल एडुकेटेड। और जो फाइनेंशियल टर्म्स पे अगर बात करें तो यूनिटेरियन, ठीक है, यूनिटेरियन मिनिस्टर, मतलब एक जो गवर्नमेंट थी वहां पर उसके किसी ऑफिशियल, मतलब हेड कह सकते हो आप, तो इनके फादर थे। देन इनके जो वुड बी हस्बैंड थे वो भी यूनिटेरियन मिनिस्टर के अंडर, मतलब जैसे आज हम कहते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो आप सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हो कि जो हस्बैंड थे और जो उनसे पहले जो फादर थे, दोनों ही अच्छे वेल डेजिग्नेशन पे थे, ठीक है, और सपोर्टिव भी थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में बेनिफिट मिला। अब मेजर राइटिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि इनकी इन्फ्लुएंस, फर्स्ट पॉइंट पहले वाला मान लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मेजर इश्यू या जो मेजर इनका कंसर्न रहा है इनकी राइटिंग्स को लेकर,
ठीक है, बहुत सारे राइटर्स के साथ आपकी सिमिलैरिटी देख लोगे इनमें, तो काफ़ी लोग इनको जेन ऑस्टन से कंपेयर करते हैं, जॉर्ज एलियट से कंपेयर करते हैं, लेकिन क्योंकि बींग अ फीमेल राइटर लिख रही थी, विक्टोरियन पीरियड में लिख रही थी, तो कंपैरिजन होना कुछ हद तक मतलब नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब कंपेयर किया गया है इनका, तो चार्ल्स डिकेंस की राइटिंग से भी किया गया है, ठीक है, थॉमस हार्डी हमने पढ़ लिए हैं, उनसे भी कंपेयर किया गया है, और जॉर्ज एलियट जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, ठीक है, मैरी एन एवांस हम कर चुके हैं इनको इनको इनको, और जेन ऑस्टन। देखो बींग अ फीमेल इन दो से कंपेयर किया गया, हमें समझ आता है, क्योंकि एडुकेशन के बारे में अगर हम विक्टोरियन पीरियड में देखें तो बहुत ही इंग्लैंड में क्या था, रूलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब राइटिंग्स अगर आप जॉर्ज एलियट की देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखती हैं, वोकैबुलरी एनरिच लिखती थी बहुत ज़्यादा, हर कोई नहीं पढ़ सकता। जेन ऑस्टन से अगर कंपेयर करें तो जॉर्ज एलियट की जो हैंडराइटिंग है, मतलब हैंडराइटिंग कह रही हूँ, जो वर्क ऑफ राइटिंग है, जो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, ये डिफ़िकल्ट है, ये ईजी है, तो इनसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक आप कह सकते हो कि जैसे वाइव्स एंड डॉटर इन्होंने लिखा, और मैरी बर्टन सोशल इशू पे लिखा, लेकिन वो पर्सनल इशू भी था उनका, तो जितने भी आइडियाज़ थे उसके बारे में इन्होंने बात की। दूसरी चीज़, जब इन्होंने डिकेंस और हार्डी से जब इनका कंपैरिजन होता है, तो अगर इस इनका आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है, मतलब जो वर्किंग क्लास ने पेन फील किया है, वो चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है। हार्डी का क्या है, हार्डी ने दिखाया है, लेकिन हार्डी में वो चीज़ जो पेन है ना, वो कैरेक्टर्स के थ्रू पता चलता है। इनके साथ क्या था कि ये जो है इनकी पर्सनल लाइफ भी इस चीज़ में रही डिकेंस की। अगर किसी ने डिकेंस की वीडियो नहीं देखी है तो डिकेंस की वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा है, वो मर्ज़ी आपकी है, 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, क्योंकि उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन राइटर्स को विज़िट कर लेना एक बार, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ये चंद कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो मेजर कंसर्न आप कह सकते हो कि इनकी राइटिंग्स को जब आप पढ़ोगे और बाकियों की राइटिंग को पढ़ोगे तो सिमिलर इशू कुछ हद तक मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन पे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है, एक होता है ना कि आप किसी को पढ़ते हैं या साथ काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में गैदर करते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड ये कहता है कि इन पे सबसे ज़्यादा जिसकी इन्फ्लुएंस थी ना, मतलब शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कैरेलिल, जिनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिटर्न में ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी और भी हैं। शी वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ लिटररी ग्रुप। अगर हम आपको याद हो तो लेह में हमने लेह हंट का सर्कल डिस्कस किया था, ठीक है, कैरेलिल में कैरेलिल सर्कल नहीं डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर्स हमने डिस्कस किए हैं जो पता है कि हमें एज अ फ्रेंड ये इसके साथ काम करते थे, इनका भी एक फ्रेंड सर्कल था, उसको भी डिस्कस करते हैं अभी। तो थॉमस कैरेलिल से इन्फ्लुएंस्ड थी, और बायोग्राफी के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि इनकी फ्रेंडशिप जो है, यानी कि एलिजाबेथ गास्कल की जो फ्रेंडशिप थी, शार्लेट ब्रोंटे के साथ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, यानी कि जो गास्कल हैं, एलिजाबेथ क्लेगहॉर्न गास्कल, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, और आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इसका नाम पढ़ा भी होगा, द लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रोंटे, ठीक है, ईयर में लिख देती हूँ इसका। खुशी जी कह रही 1857, हाँ जी, जेन आयर भी 1857 में आई थी, है ना। तो 1857, जैसा कि खुशी जी ने कहा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हमारे यहाँ तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था उस टाइम, मतलब स्टार्ट हो गया था एक तरीके से, बिगनिंग कह सकते हैं उसको। तो बायोग्राफी लिखी थी, कई बार ये पूछ लेता है द लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रोंटे, अब दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारे बार वो ऑप्शन क्या देगा, एमिली ब्रोंटे का देगा, ठीक है, क्योंकि वो उनकी सिस्टर थी, या फिर एन ब्रोंटे, जो भी सिस्टर थी तो उन्हीं का देगा, क्योंकि तीनों की तीनों सिस्टर्स थी, ये हमने एमिली ब्रोंटे में भी और शार्लेट ब्रोंटे की क्लास में डिस्कस किया है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रोंटे सोच के ये मत लिखना कि किसी कंटेम्प्रेरी राइटर ने लिखा होगा, ये पूछता है, ठीक है। दूसरी बात, ये किसके कहने पर पब्लिश किया गया, ठीक है, ये दरअसल ब्रोंटे के जो फादर थे उनके सजेशन पर इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी। कहते हैं ना, स्टार्ट तो कर दी थी
लेकिन अगर शार्लेट ब्रोंटे की तबीयत खराब है तो नहीं मन कर रहा कि उसको पब्लिश कराया जाए, तो शार्लेट ब्रोंटे के फादर का कंसीडरेशन हमें मिलता है रिटर्न रिकॉर्ड जो ये है। हाँ जी अमनदीप, वो निकल गया होगा मुंह से 1857, लेकिन 1847 ही है, ठीक है। वदरिंग हाइट्स का भी 1847 है, हो गया होगा, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा ये है कि मेरे को जल्दी वाइंड अप करना है, ठीक है, बस और कोई नहीं है रीज़न, तो उस चक्कर में वो निकल गया होगा। जीएनआर का 1847 ही है, वदरिंग हाइट्स का भी 1847 ही है, ठीक है। तो ब्रोंटे के फादर की रेफरेंस मिलती है कि उन्होंने एलिजाबेथ गास्कल को कहा था कि तुम इसको पब्लिश करवाओ, होगा कुछ उनका कंसर्न उसके रिगार्डिंग। हाँ जी अमन जी, अब बात करते हैं इनके लिटरेरी सर्कल की, आई गेस पॉइंट नंबर 4 या 5 होगा, भूल गई मैं, चलो ऐसे कर लेते हैं कि किस किस के ग्रुप में ये थी, मतलब एज अ क्लोज फ्रेंड सर्कल। पहला तो वही है शार्लेट ब्रोंटे, ठीक है, कि फ्रेंडशिप उनके साथ थी। थॉमस कैरेलिन, ये भी इनके ग्रुप में, मतलब जब आप इनके बारे में सर्च करोगे तो आपको रेफरेंस मिल जाएगी। चार्ल्स डिकन्स, इसकी रेफरेंस वैसे कम मिलेगी, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन विकिपीडिया में जब आप देखोगे, क्योंकि विकिपीडिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे सकता है वो दे देगा, ठीक है। लेकिन इनके साथ फ्रेंडशिप इनकी थी, लेकिन कहते हैं ना एक क्लोज फ्रेंड सर्कल, वो देखो किस किस के साथ है। चार्ल्स डिकन्स के साथ, इनके साथ इन्होंने काम भी किया है। फोर्थ, हाँ जी प्रीति गिल जी, चार्ल्स एलियट नॉर्टन, ठीक है, नॉर्टन पब्लिकेशन हाउस भी है, श्योरिटी नहीं है मुझे कि इन्हीं का है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लिटरेरी फिगर हैं जिनका पब्लिकेशन हाउस सेटअप था, तो इन्फॉर्मेशन मेन है क्योंकि वो नाम पूछ लेगा। नेक्स्ट चीज़ है, मतलब पर्सन है, विलियम एंड मैरी होविट, दो तरीके से इनका नाम लिखा हुआ मिलेगा, एक पहले मैं देख लूँ ज़रा आपको दिख रहा है या नहीं, HOWETT, एक है HOWITT। अब सवाल ये है कि मैंने इनको दोनों को साथ क्यों लिखा है, ये अलग अलग पर्सनैलिटी है, दरअसल ये हस्बैंड एंड वाइफ है, जब ये काम करते थे ना तो ये एक दूसरे का कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेटिव वर्क करते थे, बहुत इन्होंने एक जो लिटरेरी करियर है आपस में शेयर किया है, ठीक है, इसलिए मोस्टली जगह इनका नाम ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अब जो कुछ रह गए हैं नाम, ठीक है, हाँ जी अमन जी, वो पूछ लेता है, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि थॉमस कैरेलिन से इन्फ्लुएंस्ड थे तो हाँ वो पूछता है ना। दरअसल मेरा पर्पस ये होता है कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, दो दो बार तीन तीन बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या होता है, हम एक ही बुक रेफ़र करते हैं, दो बुक रेफ़र करते हैं। अब मेरी रिसेंटली बात हो रही थी तो गुरप्रीत जी ने कहा कि वो जिस एरिया में रहती हैं, शायद उन्होंने होशियारपुर का नाम लिया था, ठीक है, क्योंकि होशियारपुर भी बहुत बड़ा है, एक तरीके से एरिया की डिवीज़न होती है ना, तो उन्होंने कहा कि जिस एरिया में वो रहती हैं वो बुक नहीं रेफ़र कर पा रही, तो मैंने उनको एक बुक सजेस्ट करी थी, तो वो कहती है हमारे यहाँ पे अमेज़ॉन की डिलीवरी का वो नहीं दिखा रहा, तो मैंने उनको यही कहा था कि जितनी हेल्प हो सकती है मैं कर दूंगी, वीडियो में इस हिसाब से बनाती हूँ कि मैं 3-4 बुक्स को रेफ़र कर लूँ, प्लस मैं इंटरनेट को भी रेफ़र कर लूँ। मनवीर जी कह रही हैं, अच्छा मनवीर जी कह रहे हैं कि फिफ्थ पॉइंट क्लियर करूँ, अच्छा, हाँ जी सुखवीर जी, मनवीर जी मैंने ये कहा कि विलियम एंड मैरी होविट, ठीक है, अगर आप नाम देखो तो HOWETT या फिर HOWITT, ठीक है, ये दोनों ही नाम मिलेंगे, तो ये इनका सरनेम था। दूसरी बात, इनका नाम इकट्ठा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ थे और साथ ही काम करते थे, पहले अलग अलग काम करते थे, देन जब से ये साथ हुए तब से इनका मोस्टली जगह एक नाम साथ ही आता है, क्योंकि ये एक ही प्रोजेक्ट पे दोनों साथ काम किया करते थे। हाँ जी प्रीत गिल जी, और कौन रह गया इनके लिटरेरी सर्कल में, एक है हैरियट मार्टिन न्यू, NEAU, ये भी नाम है, ठीक है,
तो ये सिक्स्थ पर्सन हो गई। सेवन्थ का नाम देख लेते हैं, हैरियट बीचर स्टाउ करके है नाम, STOWE। ठीक है, तो कितनी लिटरेरी फिगर हो गई, सात हो गई। मैं एक बार चेक कर लूँ कि कोई रह ना गया हो। जॉन रस्किन, सात, आठवां पर्सन जॉन रस्किन। ठीक है, ये वो लिटरेरी फिगर हैं जो कि लिखती थी। इसके अलावा दो लोग और हैं, अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे ना तो विकिपीडिया पे उनका नाम दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो पब्लिकेशन हाउस में थे। जैसे डिकन्स का क्या था, चैपमैन एंड हॉल थे ना, तो बहुत सारी रेफरेंस है, लेकिन आपके लिए जो मेन है ना वो ये आठ लोग हैं। इसमें से कुछ जो हैं हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ जो हैं हमें नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि एज अ सपोर्ट सिस्टम वो गास्कल के लिए इम्पॉर्टेंट रहे हैं। हाँ जी, रस्किन है, प्रीति गिल जी लिख दिया। ठीक है, कुछ अगर रह जाता है तो फिर उसके लिए मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, अदरवाइज ये आठ नाम, क्योंकि हैरियट दो बार रिपीट हो रहा है, एक है हैरियट मार्टिन न्यू, एक है हैरियट बीचर स्टो। तो नाम देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि हैरियट क्या है, मेल है या फीमेल है, बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें नाम ध्यान रखने। ठीक है, जॉन रस्किन, हैरियट मार्टिन, बीचर स्टो, शार्लेट ब्रॉन्टे, थॉमस कैरलिल, चार्ल्स डिकन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट थी, चार्ल्स एलियट और विलियम एंड मैरी होवेट। अगर मैरी और विलियम को अलग कर दे तो नौ लोग हो गए ये। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको बता रही हूँ दो लोग और हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितना यहाँ आना था मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो रेफरेंस मिलती है वो इनकी राइटिंग की जो मिलती है ना, वो मिलती है इनकी डायरी की, कि इन्होंने डायरी लिखी थी। जैसे फैनी बर्नी की बात मैं करूं तो वो डायरिस्ट थी ना, बहुत सारे डायरिस्ट थे, लेकिन इन्होंने जब लिटरेरी करियर स्टार्ट किया तो इन्होंने एज अ डायरी लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, वो कब लिखा था, अपनी डॉटर की बर्थ पर लिखा था, 1837 की रेफरेंस मिलती है, अभी मैं बाद में भी बात करूंगी। तो इसमें इन्होंने जब अपनी डॉटर के बर्थ के बारे में लिखा था तो उसमें क्या था, उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में, पेरेंटहुड के बारे में लिखा है उस डायरी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल इसलिए भी है क्योंकि एज अ मदर इन्होंने ये चीज लिखी। ठीक है, तो क्या था वो, ए साइकिल ऑफ पोम्स करके, ए साइकिल ऑफ पोम्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये कहाँ पब्लिश हुई, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैकवुड मैगजीन। आपको याद होगा जब हम लेयर हंट डिस्कस कर रहे थे, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में कहा था कि ब्लैकवुड मैगजीन, क्योंकि विलियम ब्लैकवुड चलाते थे, तो ब्लैकवुड मैगजीन उन दिनों इंग्लैंड में और लंदन में बड़ा ही इसका अच्छा नाम था। ठीक है, तो ईयर इसका मैं अगर आपको बताऊं ब्लैकवुड मैगजीन का, मुझे याद है ना मैंने ईयर बताया था इसका पिछली किसी क्लास में, प्रीति जी बताओ क्या ईयर बताया था, कुछ सर्टेन ईयर्स थे ना इसके, एज इट इज अभी तो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, या तो मुझे चेक करना पड़ेगा, जो कि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। तो ब्लैकवुड मैगजीन में अ साइकिल ऑफ पोम्स करके आया था 1837 में, ये जो कलेक्शन है ना इनकी पब्लिश हुई थी, इसमें जितनी पोम्स इन्होंने लिखी थी वो डॉटर के ऊपर लिखी थी, इनके जो डॉटर थी। ठीक है, मैरियन करके उसका नाम है, ये आपको रेफरेंस इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट तो इन्होंने एज अ डायरिस्ट किया था, इस पोम के कलेक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनके हस्बैंड का भी था, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने भी सपोर्ट किया 1808 से 1886 तक। थैंक यू खुशी जी, 1808 से 1886 तक है ना। ठीक है, तो ब्लैकवुड मैगजीन में ये चीज पब्लिश हुई। दूसरा, एक स्केच करके इनका वर्क था, स्केच, इसमें इन्होंने पुअर क्लासेस के बारे में बताया था। ठीक है, ये भी सही मैगजीन में पब्लिश हुआ था, प्लस ये एक मैगजीन और थी कॉर्न हिल मैगजीन, उसमें भी पब्लिश हुआ था, ये मैं एंड में अभी बताऊंगी क्योंकि एक दो चीजें और डिस्कस करनी है।
इस वाले स्केच में डॉटर के बारे में नहीं बताया था, इसमें जो पुअर क्लासेस है ना वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या उन्होंने सफर किया, ठीक है, जैसे चार्ल्स डिकन्स ने बताया है या ब्लेक ने चिमनी स्वीपर में बताया है कि किस तरीके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, लेबर क्लासेस को काम तो मिल रहा है, चाइल्ड लेबरिंग बढ़ रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, जो राइट्स की बात करते हैं 1832 में जब रिफॉर्म बिल आया था कि राइट्स नहीं है, ना वोट देने का राइट है, ना गवर्नमेंट को चूज करने का राइट है, और इनकम का भी राइट नहीं है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते। प्रीति गिल जी कह रही हैं, सुनीता जी क्या कह रहे हो, 1823 से लेकर 1914 तक, चलो ब्लैक बोर्ड मैगजीन का छोड़ो, ठीक है, हमें मेन उसका नाम ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरा, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर, मैं भूल गई हूँ तो अपने हिसाब से देख लेना, डायरी की बात मैंने कर दी। दूसरा, इनकी फर्स्ट नॉवल की अगर आप बात करो, ठीक है, मोस्टली लोगों को पता है कि मैरी बर्टन, बहुत बार यहाँ पे यू भी मिलता है, ठीक है, मैरी बर्टन ए कुछ कह रहे हैं, जॉट क्या हुआ, ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर लाइफ 1840 में आई थी ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1848। अब ये क्यों लिखी गई, ठीक है, इसके पीछे जो इन्होंने रीजन दिया है ना, जो हमें मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये इनका फर्स्ट वर्क था, फर्स्ट वर्क दरअसल डायरी थी जो इन्होंने डॉटर के लिए लिखी, ठीक है। हाँ जी खुशी जी, जो ये वर्क इन्होंने लिखा था ना, प्रेज इसको सबसे ज्यादा किया गया था, लेकिन क्या था, इनका बेटा था विलियम, जब वो इन्फेंट था, मतलब 1845 से लेकर, यही रेफरेंस है, 44 से लेकर 45 तक, ठीक है, वो इस दुनिया में रहा, लेकिन होता है ना कि जब छोटे होते हैं बच्चे, तो वैसे ही इंग्लैंड में तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप लंदन की बात करें तो किसी रीज़न से वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो जो इनका बेटा था, और वो ओनली सन था इनका, वैसे इनके 7 बच्चे थे, ठीक है, तो ये रेफरेंस मिलती है कि ही वॉज द ओनली सन, उस टाइम की बात कर रहे हैं ये, तो उसके जाने के बाद इन्होंने 2 या 3 साल बाद उसकी याद में ये जो नॉवल है ना ये लिखी थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, पूछेगा तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जब किसी टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ मेमोरीज होती हैं राइटर की और उसका रिटन रिकॉर्ड होता है तो वो ज़्यादा पूछता है। तो फर्स्ट नॉवल की जो इंस्पिरेशन थी ना, या जो उसको लिखने का रीज़न था, वो ये था कि विलियम की डेथ के बाद एज अ मदर वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड या फिर डिप्रेस हो गई थी, तो उस चक्कर में ये चीज़ लिखी थी। अब इसमें जो आइडियाज़ इन्होंने दी हैं पुअर क्लास के बारे में लिखा है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फेस करती हैं, लेकिन ये क्यों पॉपुलर हुई, क्योंकि इसमें जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में लिखा गया है ना, वो पुअर या वर्किंग क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका कंपैरिजन, एलिजाबेथ का कंपैरिजन चार्ल्स डिकन्स की राइटिंग से बहुत ज्यादा सिमिलर मतलब क्यों है। खुशी कह रही है बफर कर गया, चेक करना पड़ेगा, चलो छोड़ो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, बाकी तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज रिलेशन, जैसे हार्ड टाइम्स की बात करता है ना, हार्ड टाइम्स में बाउंडर बी और स्टीफन ब्लैकपूल के कनेक्शन को बताता है कि मीटिंग्स में मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो वर्किंग क्लास होती है उसको कभी भी राइट्स नहीं मिलते। प्लस अगर कोर्ट सिस्टम की बात करें तो फेवर हमेशा किसका किया जाता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। टिल लेट 19th सेंचुरी तक यही था, बहुत सारी नॉवेल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें ये चीज़ और बताई गई है, ठीक है, ठीक है। प्रीति गिल जी थैंक यू सो मच। अब 1840 की ही बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 1840 लिखा था ना, तो 1840 में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अब ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है प्रीति गिल जी, कि सबसे पहले ये हमने देखा कि डायरी लिखी, देन 1848 में मैरी बर्टन वर्क आया, लेकिन उससे पहले भी कुछ इनका सिग्निफिकेंट काम था 1840 में, ठीक है, 1840 ऑनवर्ड्स। तो जिस मैरी एंड विलियम होविट की हमने बात की ना, तो होविट का पब्लिकेशन हाउस भी था, तो होविट ने कुछ चीज़ पब्लिश करी थी जहाँ से इनको फेम मिला,
क्या चीज थी? विजिट्स टू रिमार्केबल प्लेसेस, ये आपको रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है? विजिट टू रिमार्केबल प्लेसेस करके जैसे होता है ना, कुछ कलेक्शन निकाली, इस कलेक्शन के अंदर गास्कल का वर्क था, ठीक है? गास्कल के वर्क का जो नाम था, जो इस चीज के अंदर आई, उसका नाम था क्लॉप्टन हॉल। ये वर्क लिखा था और क्या लिखा था? बाय ए लेडी। अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? जैसे हम डिस्कस करते हैं ना कि बाय अ लेडी करके शार्लेट ब्रोंटे का भी कुछ लिखा गया था, जब आप उस क्लास में डिस्कस करेंगे ना, मैं इसको दोबारा यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहती, अदरवाइज मैं रिमाइंडर दे रही हूँ कि हमने ऐसा ही कुछ वहाँ भी डिस्कस किया था। तो होविट ने 1840 में जो कलेक्शन सबसे पहले फेम दिलाने के लिए पब्लिश की थी, क्योंकि वो उसका लिटरेरी सर्कल का पार्ट थे, तो पहली चीज विजिट टू रिमार्केबल प्लेसेस करके एक वर्क लिखा, ठीक है? उस वर्क में जैसे होता ना कलेक्शन है, तो इसके अंदर क्लॉप्टन हॉल करके एक इन्होंने, जैसे हम बुक पढ़ते हैं, बुक में बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर आपको ये राइटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सेम विजिट्स टू रिमार्केबल प्लेसेस के अंदर क्लॉप्टन हॉल करके एक टॉपिक डाला गया था और लिख दिया गया था बाय अ लेडी। तो होविट का, हाँ जी हाँ जी रेनू जी, शॉर्ट एसे है ये, ठीक है? इसीलिए मैंने ये वाला जो है रेफरेंस दिया कि इस टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक आप कह सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा मुझे नोट मेकिंग का याद आ गया, रिसेंटली मैं किसी को नोट मेकिंग पढ़ा रही थी, हालांकि वो आना नहीं है अब, बिकॉज रिमूव हो गया है वो, बट फ्यूचर बेटरमेंट के लिए। एक चीज और थी, सेम ही ईयर में द रूरल लाइफ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? अब सेम चीज है, जैसा रेनू जी ने कहा कि वो शॉर्ट ऐसे था, इस वर्क के अंडर एक चीज लिखी गई थी, नोट्स, मतलब इसके अंडर है ये, नोट्स ऑन चेशायर कस्टम्स। ये जो ऐसे था ना, ये जो वर्क था, ये गास्कल ने लिखा था, ठीक है? अब इसकी रेफरेंस हमें नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है कि ये 1840 में आया था, मतलब इससे पहले वाला, और ये जो वर्क था ये 1848 में आया था, ठीक है? ये रेफरेंस आपको मिल जाएगी। कैसे पूछेगा ये? होविट का इसमें कोई काम नहीं है, इस वर्क का भी कोई काम नहीं है, वो ये पूछेगा नोट्स ऑन चेशायर कस्टम्स किसने लिखा है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए जी, ये गास्कल ने लिखी है, ठीक है? तो ऐसे पूछता है। अब बात करते हैं इनके बारे में अलग, किसी अलग चीज की। चार्ल्स डिकन्स ने, ऐसी भी रेफरेंस है कि चार्ल्स डिकन्स ने जब इनकी नॉवल पढ़ी थी ना, मैरी बार्टन, तो वो बहुत ज्यादा इनसे इंप्रेस्ड हुए थे, उन्होंने इनको बुलाया था। उनकी एक मैगजीन आया करती थी, मतलब चार्ल्स डिकन्स ने, की हाउस होल्ड वर्ड्स। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था ना, तो मुझे ये लग रहा था कि ये वर्क होगा, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं ना, पर ये वर्क नहीं है, शब्द है, यानी कि वर्ड्स। ये एक मैगजीन थी जो 1850 से लेकर 1859, मुझे नहीं पता 1859 को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है? तो 57-58 तक पता है, बट इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ जी अमनदीप जी, तो 1850 से लेकर 1859 में, मतलब ये जो मैगजीन थी ना इनकी, ये मंथली मैगजीन थी चार्ल्स डिकन्स की, तो मंथली मैगजीन थी, इसमें ये वर्क पब्लिश हुआ था। मैं आपको ईयर बता देती हूँ, बहुत सारी जगह लिखा रहता है ना, तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है, ठीक है? इस वाली मैगजीन में मैरी बार्टन का पब्लिश नहीं हुआ था, मैं क्लियर कर दूँ। चार्ल्स डिकन्स ने जब ये रीड की थी नॉवल मैरी बार्टन, 1848 में आई थी ना, तो जब ये टेक्स्ट इन्होंने रीड किया था, तब इन्होंने बुलाया था गास्कल को, कि इनवाइट किया था, और इसमें इसमें क्रैनफोर्ड, मधु जी कह रही है 59, अच्छा ठीक है मधु जी, ठीक है प्रीति गिल जी, एवलाज हो जाती है मेरे को, बाकी तो हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी मेरी ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम है। क्रैनफोर्ड करके जो गास्कल की सेकंड नॉवल है ना, ये 1851 से लेकर 1853 तक सीरियल फॉर्म में, जैसे डिकन्स की बहुत सारी नॉवल सीरियल फॉर्म में आई हैं, वैसे ही क्रैनफोर्ड जो गास्कल की नॉवल थी,
ठीक है, ये गास्कल है, गास्कल की जो सेकंड नॉवल थी ये सीरियलाइज्ड फॉर्म में आई है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार ये पूछ लेता है कि क्रैनफोल्ड एज अ नॉवल किस मैगजीन में एक तरीके से पब्लिश हुई थी, ठीक है, क्योंकि मैगजीन्स क्या है, मंथली बेसिस पे आ रही है तो पार्ट वाइज आएगी, तो नाम दे देगा हाउस होल्ड वर्ड्स। सो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई ये है क्या, ठीक है। वैसे ये नॉवल 1851 की रेफरेंस मिलेगी, 1851 से लेके 53 की, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बाकी मैं ये जनरल आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि ना मैं वर्क अभी डिस्कस नहीं कर रही, वर्क तो मैं स्नैपशॉट क्लिक करके, स्क्रीनशॉट क्लिक करके उस पर भी डाल दूंगी। दिक्कत ये हो जाएगी अगर लंबी हो जाती है ना क्लास तो फिर फ्लो टूट जाता है लोगों का, पर इंफॉर्मेशन काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो मुझे पॉइंट बताना है वो ये कि मैरी बार्टन को ही बहुत लोगों ने और भी सपोर्ट किया था। सपोर्ट क्या था, वो एक तरीके से प्रेज करना बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस नॉवल वॉज ऑल्सो प्रेज्ड बाय थॉमस कैरेलिल कैरेलेले, ठीक है, और मैरी एजवर्थ, इन दो लोगों की, दोनों ही राइटर हैं, इनका हमें पता है, इनका हमें डायरेक्ट नहीं पता है, ठीक है। तो मैरी मारिया या मैरी एजवर्थ, इनकी रेफरेंस मैंने आपको बता दी। और क्या रह गया कि काफ़ी लोगों ने इनको जेन ऑस्टन से भी कंपेयर किया है, तो शी वॉज ऑल्सो कंपेयर्ड विद जेन ऑस्टन। लेकिन जेन ऑस्टन का अगर आप ईयर देखें ना तो 1775 से लेकर 1817 था, ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये 1810 में आई है, तो हार्डली 1810 और 1817 में 10 साल का ही, मतलब 7 साल का फ़र्क है, ठीक है। तो मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्योंकि गास्कल तो उस टाइम छोटी बच्ची ही रही होंगी, एलिजाबेथ मतलब जेन ऑस्टन बड़ी रही होंगी, तो कंपेयर करते हैं तो राइटिंग के बिहाफ पे करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे बतानी है वो है इनकी एक नोवेला, एक नोवेला है इनकी, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि आपको ना मैं वो चीज़ बता रही हूँ सबसे पहले जो किसी मैगजीन में आई है। वर्क का मैं लिख के अभी बता दूंगी कि चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे कि नोवेला क्या चीज़ है, नॉवल क्या है, शॉर्ट स्टोरी इसने कितनी लिखी है। नोवेला का मैं पहले बता चुकी हूँ कि शॉर्ट स्टोरी से लेंथ में थोड़ी ज़्यादा होती है, नॉवल से थोड़ी कम होती है। प्रोज प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है, सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो नॉवल से थोड़ी कम और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। कज़न फिलिस करके ऐसे भी नाम मिलेगा, ठीक है, कज़न फिलिस करके इनकी एक नॉवेल आई थी 1864 में। ये जो इनकी नॉवेल थी ना ये एक मैगज़ीन हुआ करती थी, जैसे ब्लैकवुड मैगज़ीन है या हाउस होल्ड वर्ड्स मैगज़ीन जो अभी हमने पढ़ी। एक और मैगज़ीन के बारे में वैसे हमें पता है कि द कॉर्नहिल मैगज़ीन, ठीक है, नाम हमने पहली बार नहीं सुना है, इससे पहले कुछ राइटर्स हमने पढ़े हैं जिनकी रेफरेंस हमें यहाँ पे मिलती है। 1860 से लेकर 1975 यानी कि 1975 तक ये मैगज़ीन आई और ये मंथली मैगज़ीन थी। जब ये 1864 में नॉवल आई है ना तो सबसे पहले ये इस मैगज़ीन के अंदर सीरियलाइज्ड हुई थी, सीरीज फॉर्म में आई थी 1863 से 64 में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना कि नोवेला कज़न फिलिस है जो कि 1864 है इसका पब्लिशिंग ईयर, लेकिन सीरियलाइज्ड ये एक साल पहले से हो गई थी कॉर्नहिल मैगज़ीन में। क्रैनफोर्ड भी नोवेला, हाँ जी अमन जी, क्रैनफोर्ड भी नोवेला है, ठीक है, नहीं क्रैनफोर्ड नोवेल है, नोवेला नहीं है, क्रैनफोर्ड नोवेल है इसकी सेकंड नंबर की, नोवेला नहीं है, ठीक है, क्रैनफोर्ड का मैं श्योर हूँ, नोवेला नहीं है, वो नोवेल है, अभी बता दूंगी, ठीक है। और क्या रह गया इसके बारे में, जिस होविट की हमने बात की है, ठीक है, ऐसा रेफरेंस मिलेगी कि होविट के ही किसी पब्लिकेशन वर्क में, मतलब किसी वर्क में, एग्जैक्ट तो मुझे नाम नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इतना मुझे पता चला है कि इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है ना, दो शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, अभी मैं लिख दूंगी ये, क्योंकि आज मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी मैंने वो गैदर की है। दो वर्क हैं इनके, वर्क तो बहुत सारे हैं, एक है लिबी मार्श, मार्श ही है ना, लिबी मार्श ट्री एरास,
ठीक है, ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका कि ईयर है 1847। ये भी होवित के कलेक्शन के अंदर पब्लिश हुई थी। दूसरी जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द सेक्सटन सेक्सटन्स हीरो। ये अभी मैं वर्क लिख दूंगी क्योंकि मुझे पता है गुरप्रीत जी ने कहा था कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है, हालांकि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर मैं स्क्रीनशॉट भी लिख कर मतलब सेंड कर दूँ ना तो जो लोग नए जुड़ते हैं वो इतना पेन नहीं लेंगे कि वो फाइल ओपन करें, फोटोज ओपन करें। उनका मेन पर्पज होता है जो यहाँ पढ़ा दिया देन उसको और एक्सटेंड कर लें अपने लेवल पे। इंदु बाला जी कहने क्रैनफोर्ड नोवेला है, चेक करना पड़ेगा इंदु जी। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरीज जो है वो होवित के वर्क में पब्लिश हुई थी। इस चीज का दो स्टोरीज की हमें रेफरेंस मिलती है। एक और चीज है कि गास्कल ने एक बुक का प्रीफेस भी लिखा था, ठीक है। इस बुक का नाम था, ये बुक आजकल मतलब रिसेंटली महाराष्ट्र के एक म्यूजियम में ऐड की गई है, ऐसी रेफरेंस मुझे मिली जब मैं पढ़ रही थी। तो गैरबेल्डी एट कैपरेरा ये नाम है। अगर किसने लिखी है ये पता है तो बता दो। ठीक है सुखवीर जी, प्रीत गिल जी सेकंड नंबर पे जो इन्होंने लिखा था ना वर्क वो था क्रैनफोर्ड, ये बताया बस मैंने अभी तक। एवलास कह रही है नॉवल है, ठीक है, बहुत सारी जगह उसको किया गया है लेकिन जहां जहां से मैंने रेफरेंस लिया है ना वहां पे नॉवेला नहीं है, उसके बारे में नॉवल लिखा गया है। ये मैं स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड करके भेज दूंगी। हाँ नॉवल ही है, 5 नॉवल्स हैं, एक रूथ भी है, रूथ के बारे में ज्यादा नहीं मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 5 या 6 ही नॉवल्स हैं, नॉवल है। पता नहीं आपने नॉवेला कहाँ पढ़ा है, चलो कोई नहीं, मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है क्रैनफोर्ड के बारे में वो नॉवल ही पढ़ा है। चलो फिलहाल तो इसका बता दो अगर पता है तो, नहीं पता तो मैं ही बता देती हूँ, कर्नल है, कर्नल वेज, 1862 में ये टाइटल था, राइटर ये है। गास्कल ने इस बुक के लिए ये प्रीफेस दिया था, ठीक है। अब मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मैंने पहली जो 4 साइट जस्ट ए फैन 8 नॉवल हैं, अरे मैंने तो रैंडम आइडिया दिया है, अभी तो मैंने नाम ही नहीं लिखा, जस्ट अ फैन। पता है मुझे, मैं बहुत सारे वर्क हैं मेरे को पता है, नाम नहीं लिखा अभी, ठीक है। 5 से 6 नॉवल्स वो हैं जिसका नाम हम सुन चुके हैं, वाइफ्स एंड डॉटर्स का नाम हम सुन चुके हैं, रूथ का नाम मैंने भी नहीं सुना था, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी इसका नाम रूथ का नहीं सुना था, मैंने मैरी बार्टन का सुना था, क्रैनफोर्ड का, और सबसे इम्पोर्टेंट सिल्वियाज लवर्स। सिल्वियाज लवर्स इसलिए क्योंकि जो गास्कल ने लिखा है ना वो अपने हस्बैंड को डेडिकेट की है वो नॉवल, और एक है इनकी नॉर्थ एंड साउथ करके, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ करके भी इनका एक वर्क है। तो कर्नल वेज के लिए, इस बुक के लिए इन्होंने प्रीफेस लिखा था। अब क्या चीज़ और ध्यान रखनी है, लेंदी हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी एक नॉवल का बताया, लास्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है सिल्वियाज लवर करके, ठीक है, यही है ना, 1863 है इसका। ये जो नॉवल है इनका मतलब जी, ये जो वर्क है इनका, ये इन्होंने डेडिकेट किया है इम्पोर्टेंट नॉवल्स मैंशनड बाय मैम। हाँ जी प्रीत जी, वो नए जुड़े होंगे ना प्रीत जी, तो हो सकता है किसी रीज़न से उनको ना ध्यान हो, ठीक है, लेकिन हम तो वही करते हैं ना, पहली बात तो हम वही करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आने का मेन पर्पस ये होता है कि अगर कुछ नहीं पता, जैसे बहुत सारे लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना तो प्रीफेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये 4-5 साइट्स को विजिट करने के बाद मुझे एक जगह से पता चला कि अच्छा प्रीफेस भी लिखा था, जितनी बुक्स को मैंने रेफर करा ना वहाँ पे प्रीफेस का मेंशन नहीं था। तो सिल्वियाज लवर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इन्होंने मिस्टर, जो इनके मतलब हस्बैंड होंगे अब, तो अपने हस्बैंड को ये डेडिकेट की थी। बहुत बार ये चीज़ पूछ लेता है कि किसको डेडिकेट किया गया है। हेलो हरलीन जी, ठीक है, तो जो जो हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंट वर्क की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मोस्टली वीडियोस में अगर आप देखें तो मैं एक बार एटलीस्ट ये बता देती हूँ कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है,
करना तो बहुत सारी चीजों पे होता है ना। पहली चीज मैरी बार्टन क्रैनफोर्ड लिख ही लूं मैं एक बार ना, सिल्वियाज लवर्स, लवर है किसी जगह, किसी जगह आपको लवर्स मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वियाज लवर्स होगा ये 1863, मैरी बार्टन का है 1848। बाकी मैं अभी लिखती हूँ, पेन को पता नहीं क्या हो जाता है। विलियम गास्कल, हाँ जी विलियम इनके बेटे का भी नाम था। वाइव्स एंड डॉटर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जब ये 1865 में जब डेथ हुई है ना गास्कल की, तभी अनफिनिश्ड थी ये नॉवल, और इसका जो सब टाइटल है वो है एन एवरीडे स्टोरी, ठीक है। 66 में जब ये नॉवल आई है तो ये दो वॉल्यूम्स में आई है, ये भी चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना कि ये एक ऐसा वर्क है, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि वाइव्स एंड डॉटर्स जो इनके गास्कल के टाइम में थी, ठीक है, ये कंप्लीट वर्क था या इनकम्प्लीट था। तो एन एवरीडे स्टोरी, हाँ जी मनवीर जी, एवलाज पूछता बहुत है ना, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, सारी नॉवेल्स के नाम लिख देती हूँ। तो अब मुझे क्रैनफोर्ड का ईयर ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जगह मिलेगा ना वो 1851 से 53 ही मिलेगा। ये नॉवेल्स हैं, लिखना चाहो तो लिख लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कौन सी रह गई, फिफ्थ है रूथ। रूथ के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इस पर मटीरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये मैं सिर्फ उनके लिए लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे मेन ध्यान है कि गुरप्रीत जी ने ही मुझे लास्ट कहा था। नेक्स्ट है नॉर्थ एंड साउथ, वर्क इनके बहुत हैं, पहले ही क्लियर कर दूँ, लेकिन क्या है कि ये वो नाम है जिसमें से क्वेश्चन बनता है 1854 से लेकर। हाँ जी अमन जी, हाँ जी खुशी, सब टाइटल है, ठीक है, 1854 ही था ना, 1854 से लेकर 55। तो ये ज़रा नॉवल है इनकी, थोड़ा सा ध्यान रखना। काफ़ी बार ये होता है कि कोई एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। रूथ एक ऑर्फन गर्ल है, हाँ जी इंदु जी, मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी ये अलग ही था, जिस एग्ज़ाम के थ्रू मैं लगी हुई हूँ तो ये उसका आता नहीं है, एलिजाबेथ गास्कल, ये तो मैं पढ़ा रही थी ना तो मैंने उस चक्कर में पढ़ा है। अदरवाइज मेरे वाले उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं मेरे एग्जाम में जो आते नहीं हैं। नोवेलाज, अब ये चीज़ थोड़ी से डिस्कस कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नोवेलाज में क्या क्या रेफरेंस दी है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड को जब भी आप किसी एग्जाम को देते हो तो वो क्या करता है कि कभी भी ऑनलाइन सोर्स को नहीं मानता, ठीक है, तो हमेशा रिटर्न रिकॉर्ड को से ही आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। तो जो मेरे पास नोवेला का रिकॉर्ड है, जितनी बुक्स को ये रेफर करते हैं, बुक का नाम आपको पता है कि अरिहंत है, वैसे तो मैं एडवर्ड एल्बर्ट का 9th एडिशन फॉलो करती हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं बता इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे पता है सभी लोग पढ़ते ही होंगे। एक सेकेंड रुको, इसलिए छुपाना किस चीज़ का है ना, तो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, प्लस डेविड डे चीज़ है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, रूटलेज भी है, इसके अलावा नेट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मटेरियल नहीं होता इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पहले द मूअरलैंड कॉटेज, तो जो रिटर्न रिकॉर्ड की रेफरेंस है वो 1850 है, ठीक है। दूसरी चीज़ मिस्टर हैरिसन्स, इनका नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, कन्फेशंस, कन्फेशन करके ऐसे लिख दिया है तो थोड़ा सा देख लेना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। द ओल्ड नर्स स्टोरी, इसका ईयर अभी मैं मेंशन कर देती हूँ। लिजी ले, काफ़ी बार ये नाम पूछ लेता है, ठीक है, कि ये वर्क किसका है, 1855, ये 1852 है। नेक्स्ट माय लेडी लडलो, तो लड़ने वाले से आप ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है, 1859।
नेक्स्ट जो है वो है राउंड द सोफा, ये नाम न्यू है, राउंड द सोफा। ई बुक नहीं है विलास, ई बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अरिहंत की भी अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें से भी कॉपी पेस्ट है मटेरियल। अगर आप विलियम जे लॉन्ग पढ़ते हैं, रूटलेज पढ़ते हैं, डेविड डेचीज पढ़ते हैं, ट्रूमैन पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि ये नेट पर्सपेक्टिव से बनाई जाती हैं, और या आर गुप्ता है, बहुत सारी जगह से कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल चलता है। अब एक पर्सन के लिए 6-7 बुक खोल के बैठना, ठीक है, और एक ही जगह से पढ़ना, तो सिर्फ इसकी ई बुक अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर नोवेला डिस्कस करूँगी, बाकी का स्क्रीनशॉट मैं सेंड कर दूँगी। उसका रीज़न ये है क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, प्लस मुझे भी सिर्फ वर्क लिखना ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लॉ इज द विच बोरिंग भी हो जाती है, मैं खुद इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि फिर मुझे मैसेज आते हैं कि आप लिख दिया करो, क्योंकि इससे ना हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है। उनका कहना भी ठीक ही है, क्योंकि कोई भी अगर फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसको ये है कि इसको देख रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे ये होना चाहिए कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब मैं इसको बेस बना के कुछ आगे ढूंढ सकता हूँ। तो लॉइस द विच काफ़ी बार ये नाम पूछ लेता है, राउंड द सोफा का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉवेल्स अलग हैं, नोवेला अलग है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जब क्रैनफोर्ड को नोवेला लिखा गया है तो वो सही ही हो। हाँ जी अमनदीप, सबकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉवल से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ नॉवल के, जैसे वाइव्स एंड डॉटर का जो पब्लिकेशन ईयर है इसमें, जैसे मैंने बताया 1865, मुझे पता है कि रेफरेंस ये कहती है कि 1865 में वो इनकम्प्लीट थी, ठीक है, और जब वो 66 में आई है तो वो 2 वॉल्यूम्स के साथ आई हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सब नहीं पढ़ना, जिस जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो करना है। पहली चीज़ है इस राइटर को आँखों से निकाल लो, कि हमें पता हो कि ये वर्क हमने पढ़ा है तो 1 या 2, क्योंकि हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, हम मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अगर 4 राइटर्स हैं, 4 में से 2 हमें क्लियर कट पता है कि जी नहीं है, हमारा 50% काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले ये 50% वाली श्योरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि ये 2 राइटर्स नहीं है, बाकी 2 में से हमें एक चूज करना है, हमेशा यही होना चाहिए। ए डार्क नाइट्स ऐसे करके भी इनका एक वर्क है, नोवेला ही है। लिख मैं इसलिए रही हूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि किसके अंदर ये है, ठीक है। 1863 लास्ट जो इनकी है, कजन फिलिस, जिसका कि नाम आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये वही नॉवल है जिसके बारे में मैंने बताया कि ये कॉर्न हिल मैगजीन उसमें पब्लिश हुई थी 1864, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज के नाम नहीं है। हाँ जी रेनू जी, कुछ शॉर्ट स्टोरीज के नाम बुक में नहीं है, ठीक है। जैसे मैं सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला मॉर्टन हॉल। अब मुझे बताओ कितने लोगों को ये पता है कि मॉर्टन हॉल गास्कल का ही वर्क है। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इसके बारे में नहीं मिली, पब्लिकेशन ईयर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि सर्च इंजन में वो शो ही नहीं कर रहा था, ठीक है। 1853 इंदु बालाजी, नो बुक इज परफेक्ट, ठीक है, फॉर प्रेपरेशन। मैं यही कहूँगी, जहाँ से जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, कोई भी राइटर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर जब आप कंपेयर करते हो ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट का एग्जाम, ठीक है, तो क्या होता है कि किसी स्टेट में किसी राइटर को प्रेफरेंस दी जाती है, आपके वाले में क्या है लिंग्विस्टिक भी आ रहा है। मेन पर्पस है कि जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है पढ़ लो, जिस भी बुक को आप फॉलो करना चाहते हो सबसे पहली बात कंपेयर कर लो। कई बार हम बुक्स परचेज कर लेते हैं कि फलाना इंसान भी वो प्रिपेयर कर रहा है, मान लो मैं अरिहंत प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मेरे पास तो UGC नेट मेरा क्लियर था ना, तो मैंने तो नेट के पर्सपेक्टिव से थी, ये मेरे पास पड़ी थी। जिस स्टेट बोर्ड का मैं पार्ट हूँ DSSB, वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वहाँ पर ये सिलेबस ही नहीं है। यहाँ पर ग्रामर ज़्यादा आती है, लिटरेचर में शेक्सपियर हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, कोलरिज हो गया, ठीक है। हाँ जी सुखवीर जी, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो अगर बोलते हो 5 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, टाइम मैंने नोट नहीं किया क्योंकि आज थोड़ा सा सिस्टम ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, वरना मैं शॉर्ट स्टोरी के नाम 10 मिनट की बात और रह जाएगी, लिख ही लो क्योंकि ये मिलेंगी नहीं।
इसलिए इंदु जी किसी भी बुक से प्रिपेयर करो, कहीं से भी प्रिपेयर करो। बहुत सारे लोग टेलीग्राम में, बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, तो वहाँ पे क्विजेज चलते रहते हैं। मेरे वाले चैनल पे भी मैंने अभी रिसेंटली 3-4 दिन से स्टार्ट किया है, ठीक है। जिसका भी मन करे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, जहाँ से नॉलेज मिले ले लीजिए, लेकिन टाइमली उसको रिवाइज करते रहिए। कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि जी फलाना की पेड क्लासेज है वो ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, जो मिलता है जस्ट ग्रैब। मेन है स्टोर करना, बस। शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, पेन गया। तो मॉर्टन हॉल के बारे में अगर नहीं पता था तो अब मैंने बता दिया, ठीक है। पहली चीज मैं लिख ही दूं, नहीं तो फिर मुझे मैसेज आएंगे। ट्रेड्स एंड स्टोरीज ऑफ ह्यूगटन, ह्यूगटन करके नाम मिलता है, ह्यूगनट्स, हाँ ठीक है, 1853। सेकंड जो मैंने अभी बताया मॉर्टन हॉल, 1853, क्योंकि इनके नाम जो है ना, ठीक है मनबीर जी, बस मेरे को ये होता है। हाँ जी प्रीत गिल जी, परफेक्ट तो कोई बुक नहीं है। खुशी जी कह रही हैं शॉर्ट स्टोरी की पब्लिकेशन डेट बताना। थैंक यू मनबीर जी, मैं यही कहूँगी जितना आपका दिमाग स्टोर कर सकता है ना, क्योंकि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है। पर्सनली मैं यही बोलूँगी कि जो मेथड मैं फॉलो करती थी अपने टाइम में, या मैं फर्दर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यही चीज़ करने वाली हूँ। कोई भी राइटर क्लियर कट कभी नहीं छोड़ना। अगर ईयर याद नहीं होता तो बेस्ट चीज़ है नाम पता होना चाहिए सबसे पहला। ऐसा नहीं है पूरा पेपर में वो वर्क ही पूछेगा, या ऐसा भी नहीं है कि पूरे पेपर में वो पब्लिकेशन ईयर ही पूछेगा, वो दोनों चीज़ें पूछता है। पर हमें कुछ हद तक राइटर का आइडिया ये हो जाता है, अगर हमें उसे उसकी डेट ऑफ बर्थ ध्यान है ना, और उसका नाम का वर्क ध्यान है, तो बहुत बार जब हमें श्योरिटी नहीं भी होती ईयर की, हम उससे भी हेल्प ले लेते हैं कि मुझे पता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ इतना ही है, तो ये वर्क इसने अपने टाइमलाइन में ही लिखा होगा ना, ठीक है। तो ईयर एक बार को छोड़ दो, लेकिन वर्क का नाम और इसका डेट ऑफ बर्थ ये जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट चीज माय फ्रेंच मास्टर, ये भी इनकी शॉर्ट स्टोरी है, क्योंकि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए पूछ लेता है, 1853 का ही टाइम मिलेगा। नेक्स्ट चीज द स्क्वायर्स स्टोरी, ठीक है, ये पढ़ा होगा क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं वो देख लेती हूँ जो कि नहीं है, 1853, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाफ अ लाइफ टाइम अगो, ठीक है, ईयर मुझे नहीं पता चला, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है, पता चल जाएगा तो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी। हाफ अ लाइफ टाइम अगो गास्कल ने लिखी है, अगर आपको मिल जाए ना ईयर डाल लेना और चेक कर लेना। कुलवीर जी की यानी स्क्रीन नहीं शो हो रही, कुलवीर जी आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो सिस्टम हैंग कर गया होगा, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। एक है कंपनी मैनर्स। अब एक काम हो सकता है कि आप नाम नोट कर लो, और इंडिविजुअली भी जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, सर्च कर लेना इनके ईयर्स, क्योंकि सभी के तो ईयर इसमें दे भी नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारा वर्क था ना, ठीक है। नेक्स्ट चीज द सिन ऑफ ए फादर, द सिन ऑफ ए फादर, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, इनका ये शॉर्ट स्टोरी था। द पुअर क्लेयर, शॉर्ट स्टोरी देखो कितनी ज्यादा लिखी है, बोला था ना शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द मैनचेस्टर मैरिज, ये नहीं मिलाएगा कहीं, द मैनचेस्टर मैरिज, इनके नाम नोट कर लेना, वो देख लेना, आप इसको पॉज करके करोगे, इसको पॉज करके करोगे वीडियो को, या फिर क्योंकि मैं अगर फोटो तो मैं सेंड कर दूंगी, उसकी चिंता मत करना, मुझे ये नहीं है कि फलाना बंदा बुक खरीद लेगा, खरीदो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो कि नहीं बताते कहाँ से पढ़ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि नॉलेज को शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो नए जुड़े हैं, उनके लिए भी जब आप पुरानी वीडियोज देखोगे ना, अगर मैं कुछ बाई चांस यहाँ भूल गई हूँ तो लोग जो पढ़ते हैं ना वो कॉमेंट में बता देते हैं, उससे मुझे चीज़ें याद आ जाती हैं। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, तो क्योंकि ह्यूमन बींग है, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है,
फोन की भी होती है, कंप्यूटर की भी होती है, ब्रेन की भी होती है, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट शेयर एंड केयर। क्राउले कासल, ठीक है, इसका टाइम लाइन अगर कि मैं बात करूं तो ये मुझे पता है 1863 में गिवन है। क्रॉस चेक मैंने कर ली थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैंने इनका नहीं मेंशन किया क्योंकि इनका ईयर मुझे क्लियर नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप देख लेना। एंड एक्यूज्ड रेस, ये नाम मैंने पर्सनली बताऊं तो मैंने नेट के पेपर में देखा है कि ये पूछा गया था कि दिस वर्क इज रिटन बाय हुम, तो गास्कल का नाम वहां था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। माय लेडी लडलो, एक दूसरा वर्क था ना इनका, ये दूसरी शॉर्ट स्टोरी है, वो लडलो कासल था शायद, है ना। हाँ जी परमिंदर जी, कोई नहीं मनवीर जी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस से ही हम जो अपना होराइजन है ना दिमाग का उसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो ये स्टोरीज मैंने डिस्कस कर ली हैं, किसका नाम रह गया, बेसी ट्रबल्स एट होम, बेसीज ट्रबल्स एट होम, ये भी इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी, नंबर मैं भूल गई हूँ, ठीक है, इसलिए पहले ही क्लियर कर रही हूँ, 1852 में आई थी। डिसअपियरेंस, अब साउंड देखो कैसा कर रहा है, डिसअपियरेंसेज, अपियरेंसेज ये आई थी 1851 में, शॉर्ट स्टोरी है, नाम देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा सा नाम है, पर अगर ये पूछ लिया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। द हार्ट ऑफ जॉन मिडल्टन, जॉन मिडल्टन, ठीक है, राइटर भी थे ये, द हार्ट ऑफ जॉन मिडल्टन 1850, ये गुरप्रीत जी के लिए है स्पेशली, ठीक है, बाकियों के लिए भी है लेकिन गुरप्रीत जी के लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने 3 बार मुझसे ये कहा था कि बुक का उनको थोड़ा सा इश्यू है। अब स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर करती हूँ लेकिन दिक्कत यही हो जाती है कि सब नहीं कर पाते। हैंड एंड हार्ट, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है इनकी और 1849 में आई थी। सबसे ज़्यादा वर्क जो इनका आया है वो शॉर्ट स्टोरी का ही आया है। और क्या रह गया, राइट एट लास्ट, अनटू लास्ट करके हमने पढ़ा था ना, ये राइट एट लास्ट है 1858, ठीक है। तो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज के नाम हो गए, आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा ये, और क्योंकि हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है तो पॉज करके अगर आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। और मैंने क्या नहीं लिखा ज़रा देख लूँ, द डूम ऑफ द ग्रिफ, ये नाम है, ठीक है, ये भी शॉर्ट स्टोरी है, सारी आप नहीं पढ़ पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए नाम सबसे पहले ध्यान रखने हैं। कैरेक्टर कितने पूछ लेगा, कैरेक्टर के लिए इसके पास बाकी और भी राइटर्स हैं, द वेल ऑफ, ऐसे ही है, द वेल ऑफ पेनमोर्फा, ठीक है, इसका ईयर देख लेते हैं 1850, मेन है नाम पता होने चाहिए, बाकी मैं आपको ये इतना बता सकती हूँ कि जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इस बार अच्छा रखेंगे। हाँ जी रेनू जी, मिस्टर हैरिसन्स कन्फेशन, क्रिसमस स्टॉर्म्स भी रह गई है, क्रिसमस स्टॉर्म्स एंड सनशाइन, ठीक है, इसका ईयर मुझे चेक करना पड़ेगा, 1848। बाकी जो रेनू जी ने कहा पहले वो भी लिख दूं, मिस्टर हैरिसन्स कन्फेशन, ये मैंने बता दिया शायद, कन्फेशन करके अभी मैंने लिखा था कुछ, मिस्टर हैरिसन्स कन्फेशंस, ठीक है, ये चेक कर लेना। द पुअर क्लेयर हो गया, बाकी सारी चीज़ें, द केज, द केज एट क्रैनफोर्ड, ये
क्योंकि ये उस नॉवल के नाम से मिलता जुलता है, 1863। ठीक है, अब इसके बाद खुशी जी कह रही हैं, प्रीत जी कह रही हैं, खुशी जी जल्दी चांसेस हैं, द ग्रे वुमन पेपर तो हो जाएगा, ज्वाइनिंग तो नहीं मिलेगी क्योंकि पैसा तो है ही नहीं सरकार के पास। ठीक है, अभी तो देखो अभी 15 तारीख से जो सिनेमाज ओपन हो रहे हैं, कितने मास गैदरिंग होगी, ठीक है, उस बिहाफ पे, क्योंकि केसेस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दो वर्क इनके और बात करता है, ठीक है, वर्क तो इसका एक आधा और अभी रह गया है, लेकिन जितनी शॉर्ट स्टोरी आप याद रख पाओगे। सुखवीर जी कह रहे हैं नोवेला है, क्रैनफोर्ड, अरे बताया था कि क्रैनफोर्ड का मोस्टली जगह नॉवल लिखा गया है, मोस्टली जगह नॉवल लिखा गया है। आपने कौन से सोर्स से पढ़ा है नोवेला, या तो मुझे नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो ना कि द क्रैनफोर्ड है ना, यही है ना, 1851 से लेके 53 में जो क्रैनफोर्ड, जिस नॉवल की आप बात कर रहे हो, 1851 से लेके 53 में जो आई है, इसको मैं पर्सनली चेक कर लूँगी कि ये नोवेला है या फिर ये नॉवल है, पेजेस से पता चलेगा ये। अच्छा, हैरिसन की बात कर रहे हो, मिस्टर हैरिसन कन्फेशन, मेरे को इसका नहीं आइडिया, ठीक है, अगर रेनू जी को पता होगा तो वो बता देंगी, पर्सनली मैंने इसको मेंशन नहीं किया था क्योंकि 2 से 3 वर्क हैं जिसपे मैं नहीं सर्च कर पाई, तो मैं इसको फिर बाद में ग्रुप पे डालूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम था, मदर की भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, ठीक है, इसलिए। एक नॉन फिक्शन करके इनकी यूनिट बनाई गई है, दरअसल ये रिखा तो प्रोज में ही गया है, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो थीम्स होते हैं ना उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती छेड़खानी करने की, तो इसमें एक तो बायोग्राफी आ जाती है जो 1857 में लिखी इन्होंने शार्लेट ब्रॉन्टे की, ठीक है, द लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टे ऐसे लिख दिया है, बायोग्राफी हो गई 1857 में। दो चीज़ें इन्होंने और ऐड की हैं, एक है फ्रेंच लाइफ, इसका ईयर क्योंकि प्रोज फॉर्म में ही है 1864 बताया है, एक तो स्टोरी थी ना द फ्रेंच मास्टर करके, ठीक है, एक फ्रेंच लाइफ करके मिलती जुलती जो है इन्होंने दूसरा वर्क भी लिखा है, एक है इनका एन अक्यूज्ड रेस। नहीं, एन अकर्स्ड रेस है, रेनू जी कह रही हैं कि एपिसोडिक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है रेनू जी, क्योंकि गास्कल को तो मैंने आज से इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा फिर इस पर और रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि इसको 2 या 3 क्लासेस में किया जाए क्योंकि वो काम फिर ख़राब हो जाता है। तो ये जो है ये एक रैंडम आइडिया आपको दे दिया है, वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है टॉपिक। इंदु जी कह रहे हैं 1864, हाँ जी, फ्रेंच लाइफ। इसके बाद पहली बात तो आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरी बात, कोई नहीं रेनू जी, अगर ऐसा है तो वो तो जब पढ़ेंगे लोग तो चेक हो जाएगा, क्रॉस चेक ना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ग्रुप पे डाल ही देंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी कितने राइटर्स याद कर लेंगे, एक कोशिश कर सकते हैं। तो गास्कल पे जितनी इन्फॉर्मेशन पता चली वो मैंने आपको बता दी, एक जगह ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी स्टेटमेंट में, ये कहा गया था कि जेन ऑस्टन से जो इनकी राइटिंग्स हैं वो मैच करती हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना सिमिलैरिटी, तो जेन ऑस्टन से सिमिलर हैं लेकिन जॉर्ज एलियट से कम है, वो शायद कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा होगा, पर ये स्टेटमेंट किसने की नहीं पता, तो जिस चीज़ का ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है उसे हम ये सोच लेते हैं कि हाँ किसी जनरल पर्सन ने ये चीज़ बोली होगी। मैंने नेट पे भी सर्च की इस स्टेटमेंट के बारे में, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैं ये मान के चल रही हूँ जब ये किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, ये किसी जनरल पर्सन ने ही बोली है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ जी खुशी जी, सोशल प्रॉब्लम्स से मैच करता है क्योंकि डोमेस्टिक आइडिया के बारे में इन्होंने लिखा है, जैसे लिखा है ना वाइव्स एंड डॉटर्स, अगर आप इसका सबटाइटल देखें एन एवरीडे स्टोरी, तो उनके साथ भी तो यही था, जेन ऑस्टन ने जितने भी लिखी है सेम वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर है, उन्हीं के बारे में लिखा है। तो अब मैं आपसे कल मिलूंगी, ठीक है, कल मैथ्यू आर्नल्ड को करेंगे और जो हमारी कंटेम्प्रेरी एज का राइटर रह गया है उसको कंटिन्यू करेंगे, कल 2 क्लास में बात करते हैं गास्कल की बायोग्राफी से।
प्रीति गिल जी, गास्कल की बायोग्राफी से ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि इसको किसने इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है, थॉमस कैरल जैसे कि कहा, मुझे एग्जैक्ट तो नाम ध्यान नहीं है, अभी रिसेंटली किसी ने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, यही कि जो इन्होंने डायरी लिखी थी, मैरीन करके इनकी डॉटर थी, उसको डेडिकेट की थी, डेडिकेट तो क्या थी, दरअसल वो उसकी अपब्रिंगिंग या पेरेंटहुड कैसा वो चाहती हैं अपनी बेटी के लिए उसके बारे में थी, ये बन सकता है। दूसरा, मैरी बार्टन लिखने के पीछे रीज़न क्या था, वो उनके विलियम जो बेटा था, ठीक है, उसका डेथ भी एक रीज़न था कि 44-45 में जब वो एज एन इन्फेंट चला गया इस दुनिया से, तो वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली कि पुअर क्लासेस की सफरिंग्स के बारे में लिखना चाहिए। और जो इन पे क्वेश्चन बन सकता है वो लिटरेरी सर्कल पे बन सकता है। और मैं बात करूं तो जो इनकी ब्लैकवुड मैगजीन में या कॉन हिल मैगजीन में जो जो सीरियलाइज्ड फॉर्म में पब्लिश हुई है ना बायोग्राफी में, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सभी का वेलकम, कल मिलेंगे कुछ और नए पॉइंट्स के साथ। मेन रीज़न यही था, क्लास पहले लेंथी तो देख ही जाए, एक घंटे से ऊपर की हो गई, लेकिन मेन ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी रीज़न से बुक को अभी हाल फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। एक एग्ज़ाम के लिए उनकी भी कोशिश यही रहती है कि इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल। दूसरा, टेलीग्राम का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी ग्रुप में जाके, मतलब गूगल की तरह है, सर्च कीजिए एंड यू विल गेट इनफ मटेरियल, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पे जुड़ जाना, वहाँ मैसेज कर देना, ठीक है। मीनवाइल स्क्रीनशॉट क्लिक करके मैं भेज दूंगी। थोड़ा सा स्टडी मटेरियल पे काम चल रहा है, जिस दिन वो पूरा हो गया उस दिन ग्रुप पे एज इट इज़ पोस्ट करती रहूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है। मनबीर जी, मैंने पता है क्यों नहीं किया, मैं चाह रही थी करना, बिकॉज आई एम नॉट वेरी हैप्पी इन दिल्ली विद दिल्ली जॉब्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ ज़रूर बींग अ दिल्लीआइट, लेकिन जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है ना, हर चीज़ पैसा नहीं होती। मेरा एम जो है वो सिर्फ स्टेट जॉब नहीं था, वो मेरे पास आ गई, वो एक अच्छी बात है कि लक बाई चांस हो गया, लेकिन मेरा जो ड्रीम जॉब है ना वो KVS है, तो उसकी भी एक स्टोरी है, किसी दिन बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं चाहती थी मैं पंजाब मास्टर कैडर का भरूँ, लेकिन रीज़न ये हुआ कि उनका एडवर्टाइजमेंट पंजाबी में था, और दिल्ली में जितने मेरे पंजाबी या सिख फ्रेंड्स हैं ना, मम्मी पापा को उनके पंजाबी आती है, बट क्योंकि यहाँ पे पंजाबी पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, संस्कृत पे होता है, तो उन बेचारों को खुद भी पढ़ना पंजाबी में नहीं आता। कोशिश थी, एडवर्टाइजमेंट मेरे पास है, लेकिन आपके वहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि सारी चीज़ें पंजाबी में चलती हैं। चलो कोई नहीं, हेल्प कर सकते हैं आप, और क्या। चलो बाय बाय, कल मिलूंगी।